जम्मू कश्मीर में आतंक, गोलियों की गड़गड़ाहट और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की तस्वीरें तो खूब देखी जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का नापाक पैतरा, पाकिस्तान का सशर्त काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव, भारत ने ठुकराया सशर्त काउंसलर एक्सेस का प्रस्ताव। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के साथ रिश्ते सुधारने का कितना ही दिखावा करते हों, लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, ये एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया है। इंटरनेशनल कोर्ट की फटकार के बाद उम्मीद जगी थी कि शुक्रवार को पाकिस्तान की जेल में कैद कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिलेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के प्रस्ताव में भी शर्तें लगा दी जो भारत सरकार को नागवार गुजरा। भारत पहले ही सशर्त काउंसलर एक्सेस पर आपत्ति जता चुका था, ऐसे में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस सशर्त देने का प्रस्ताव रखा तो भारत ने बिना हिचके उसे ठुकरा दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने कहा कि पाकिस्तान भय और प्रतिशोध की आशंका से मुक्त माहौल मुहैया कराए। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और तब से लगातार भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पाकिस्तानी सैन्य अदालत की ओर से जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत ने आईसीजे का रुख किया था, जिस पर पिछले दिनों आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और काउंसलर एक्सेस देने का निर्देश दिया था। वियना कन्वेंशन के मुताबिक जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो जांच और हिरासत में रखे जाने के दौरान कैदी को राजनयिक पहुंच देना अनिवार्य है। वहीं पाकिस्तान ने आईसीजे में तर्क दिया था कि जासूसी में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर यह जरूरी नहीं है कि उसे काउंसलर एक्सेस दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान का ये तर्क इंटरनेशनल कोर्ट के जजों के सामने टिक नहीं पाया और इसी का नतीजा है कि दुनिया के सामने बेइज्जत होने के बाद अब पाकिस्तान ने सशर्त काउंसलर एक्सेस की नई चाल चली है। हालांकि भारत ने भी जिस तरह करारा जवाब दिया उसके बाद अब इंतजार पाकिस्तान के जवाब का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।